नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी ई श्रम कार्ड को बनवा लिए, अगर दोस्तों आपके भी खाते में 500 रुपये आया है या नहीं आया, उनको चेक करना चाहते हैं अपने घर बैठे ही, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि हम इसमें यही बताने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे दो से तीन तरीका बताने वाला हूँ जो कि आप अपने घर बैठे ही चेक कर सकते हैं आपका पैसा आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप भी इस श्रम कार्ड का पैसा चेक करना चाहते हैं अपने घर बैठे और अपने मोबाइल से, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम आपको इसमें दो से तीन तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो मेरा पहला तरीका है वो आपको एक वेबसाइट है जो कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो दोस्तों मैं उस वेबसाइट को बता देता हूँ कि वो कौन सी वेबसाइट है। तो दोस्तों देखिए, गूगल पर सर्च करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए सर्च में लिखता हूँ PFMS, यहाँ पर देखिए PFMS, मैं यहाँ पर लिख कर सर्च कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर इस URL को सर्च करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है PFMS को, इस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेन्यू बार में लिखा हुआ है नो योर पेमेंट, आपको इस पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले जो भी आपका बैंक होगा आप उस बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा जैसा कि आपका जो भी बैंक हो, यूनियन बैंक का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका बैंक हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा, और इंटर अकाउंट नंबर, यानी आपको अकाउंट नंबर लिखना है और यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट नंबर को क्लिक करना है और यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपका जो खाता जिस मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक मैसेज आएगा, और मैसेज को फिल करने के बाद उस पर जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपका पैसा आया है या नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि कोई भी सरकारी पैसा आता है तो यहाँ पर PFMS वेबसाइट पर चेक हो जाता है, जैसे कि आपका छात्रवृत्ति आया 500 रुपये जो आपको सरकार जो देने वाली है, और पेंशन जो भी आता है यहाँ पर चेक हो जाता है। तो दोस्तों आपको पहला तरीका इस तरह चेक करना है, और मैं जो दूसरा तरीका बताने वाला हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ये साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा। साइबर कैफ़े जाने के बाद आपको आधार कार्ड लेकर जाना है। देखिए दोस्तों, काफ़ी हमारा भी दुकान है, उसमें भी लोग जाकर UN जो आपको एक कार्ड बना है श्रम कार्ड का, वो कार्ड और आधार कार्ड लेकर आ रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मेरा पैसा चेक कर दीजिए क्योंकि मेरा पैसा 500 रुपये आया है या नहीं आया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपको साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा, या आप साइबर कैफ़े नहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक फिंगरप्रिंट डिवाइस लेना पड़ेगा जो कि इस समय महंगा हो चुका है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, मंत्रा मार्फो बहुत सारे डिवाइस है, इंफ्राटेक की बहुत सारे डिवाइस, अगर आप उसको लेना चाहते हैं और अपने घर बैठे ही पैसा चेक करना चाहते हैं तो आपको उस डिवाइस को लेना पड़ेगा, और बहुत सारे मार्केट में ID देने वाले एजेंसियाँ हैं, आप उसको उसका ID ले सकते हैं, जैसा कि स्पाइस मनी हुआ, पे नियर बाई हुआ, VKB क्लिक हुआ। तो दोस्तों मैं सबसे सस्ता रिकमेंड करूँगा VKB क्लिक है, जो कि मैं लिया था 200 रुपये देकर लिया था। तो दोस्तों आप जाकर आधार कार्ड नंबर डालकर और फिंगरप्रिंट द्वारा आप अपना बैलेंस को चेक करवा सकते हैं। और मेरा तीसरा तरीका ये है, आप लोगों के पास फोन पे गूगल पे होगा ही, तो आप फोन पे गूगल पे से ही पैसा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के पास फोन पे गूगल पे का अकाउंट नहीं बना है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर कार्ड डायलर में आइएगा और कार्ड डायलर में आकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि *99# को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पर देखिए कैसा आपके सामने मैसेज आएगा। ये मेरा चौथा तरीका है, और यहाँ पर देखिए *99# यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आएगा आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है कि बैलेंस चेक करना है, और यहाँ पर UPI पिन भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपके मोबाइल में UPI पिन नहीं बना होगा तो यहाँ पर 7 नंबर पर क्लिक कीजिएगा और अपना UPI पिन बना लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं सेट फॉरगेट UPI पिन या चेंज UPI पिन। तो दोस्तों अगर आपको सेट करना है तो आप एक पर
क्लिक करके अपना UPI पिन सबसे पहले चेक कीजिएगा। तो चलिए मैं बैक कर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे बैलेंस को चेक करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर चेक बैलेंस लिखा हुआ है, आप यहाँ पर तीसरे नंबर पाइएगा और सेंड पर भी क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर आते हैं तो देखिए यहाँ पर एक UPI पिन कहने के लिए मांग रहा है, यहाँ पर डालने के लिए कर रहा है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका UPI पिन होगा वहाँ पर आप डाल दीजिएगा। तो दोस्तों जैसे आप UPI पिन को फिल करते हैं तो देखिए आपके सामने एक बैलेंस आ गया, योर अकाउंट बैलेंस इतना रुपया आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दिया कि इन तरीके से आपका बैलेंस चेक हो जाएगा जैसा कि हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।